हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होली स्पेशल मावा गुजिया। परफेक्ट मेजरमेंट से आपको बताऊंगी ताकि गुजिया बनाने की जो भी आपकी प्रॉब्लम होती हो सारी सॉल्व हो जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। सबसे पहले किसी बड़े बर्तन में गुजिया बनाने के लिए मैदा गूंथेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो मैदा ली है। मोयन के लिए यहाँ मैंने आधा कटोरी देसी घी लिया है, जिसे थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाएंगे। मोयन के लिए वनस्पति घी भी लिया जा सकता है, पर देसी घी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मोयन डालने से ही गुजिया खस्ता बनती हैं। घी को मैदे में अच्छे से मिलाएंगे और एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें कोई लम्स ना रहे। सही माप के लिए मैदे से एक मुट्ठी बना के देखेंगे। यदि मुट्ठी टूट नहीं रही है, बिल्कुल एक जैसी है, तो हमारा मैदे में मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मैदे में थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डाल के इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। सॉफ्ट आटा गूंथने से गुजिया खस्ता बिल्कुल नहीं बनती। फिर मैदे को किसी साफ और थोड़े से गीले कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए रख दे, ताकि मैदे के ऊपर पपड़ी ना पड़ने लगे। जब तक मैदा रेस्ट करेगी तब तक गुजिया के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हाफ केजी मैदा के लिए मैंने हाफ केजी ही मावा लिया है। मावे को हम लो फ्लेम पे गरम करेंगे जब तक कि मावे से इसका फैट बाहर ना आ जाए। मावे को मैंने 6 से 7 मिनट ही गरम किया है। फिर इसमें हम 300 ग्राम नारियल का बुरादा डालेंगे। बुरादा को डालते समय का वीडियो स्किप हो गया है। फिर बुरादे को मावे के साथ 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। फिर इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मेवे आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है। सब चीज़ों को एक साथ मिला देंगे ताकि जो इलायची का फ्लेवर है वो कोने कोने से आना चाहिए। फिर इसमें 1 कटोरी पाउडर शुगर ऐड करेंगे। चीनी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप बूरा भी ले सकते हैं। चीनी को भी मावे के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और गुजिया की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। डो की तरफ चलते हैं। डो यहाँ पर सेट हो गया है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर से गूंथेंगे। गूंथने से क्या होता है कि गुजिया जब फ्राई करेंगे उस समय वो फटेंगी नहीं है। अब मैदे से एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। फिर इसको रोल करके इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ ली है। लोई का साइज आप देख सकते हैं। फिर एक लोई से इसको पूरी की साइज में बेलना है। ना इसको पतला रखना है बिल्कुल, ना मोटा रखना है। यहाँ पर मैं बिना सूखे आटे के बेल रही हूँ। फर्स्ट टाइम बनाने वाले सूखा आटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 पूड़ियाँ एक साथ बेल ली हैं। इससे ज़्यादा ना बेल लें वरना चिपक जाएंगी। गुजिया बनाने की सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। 1 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसको बना लिया है। फिर गुजिया सांचे में 1 पूड़ी को रखेंगे। फिर मैदे की इस घोल को पूड़ी के चारों किनारों में लगाएंगे। इसको लगाने से गुजिया फटती बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर हम इसमें 1 चम्मच भर के मावा डालेंगे। मावा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चारों तरफ से प्रेस करते हुए जो इसकी एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल देंगे। बची हुई मैदा को फिर से डो में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर गुजिया के सांचे को आराम से खोलेंगे और फिर गुजिया को आराम से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं गुजिया हमारी कितनी परफेक्ट बन के तैयार है। फिर से मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले सांचे में 1 पूड़ी को रखेंगे और जो ये गम बना के रखी है इसको भी चारों कोनों में लगा देंगे। फिर जो मावा तैयार करके रखी है उसको भी इसमें भर देंगे। फिर इसको दबाते हुए इसकी जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी गुजिया बना लेंगे। अब गुजिया को फ्राई करने की बारी आती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रिफाइन को गरम कर लिया है। गुजिया को कम गरम तेल में ही फ्राई करेंगे। इससे क्या होता है गुजिया काफ़ी खस्ता बनती हैं। ज़्यादा गरम तेल से गुजिया
हार्ड हो जाती हैं। यहाँ पर मैं 7 से 8 गुजिया एक साथ फ्राई करूँगी। फ्लेम को लो टू मीडियम में रखना है। 2 मिनट बाद गुजियों को धीरे से ये पलट देंगे। फिर हल्के हाथों से चलाते हुए गुजियों को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। लगभग 5 से 6 मिनट बाद हमारी गुजिया फ्राई हो गई हैं। वापस फिर से हम उसी तरह गुजिया को फ्राई करेंगे। तेल का विशेष ध्यान रखें, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेल गर्म होने से गुजिया ऊपर से जल्दी फ्राई हो जाती, जिसकी वजह से वो खस्ता नहीं हो पाती। 5 से 6 मिनट में ही गुजिया गोल्डन फ्राई हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने सारी गुजियों को बना के रख लिया है। चलिए अब इनको सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी होली के लिए स्वादिष्ट और खस्ता गुजिया। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बिल्कुल साफ है, एक भी गुजिया हमारी फटी नहीं है बनाते समय। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।